प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। गुरुदेव की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। आप सकारात्मक सोच के साथ अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। मित्रों, कल हमारे मिशन के बहुत ही सक्रिय पिता तुल्य, एक गार्जियन, समय समय पर उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाले, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे गुरु कार्य करोगे, हमेशा कैसे किस तरह की व्यवस्था बनेगी, ऐसे कहे तो अपने घर के एक जो बड़े गार्जियन होते हैं वो अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार के गार्जियन आदरणीय गौरी शंकर बाबूजी, जिनका कल परम सत्ता गुरुदेव के अंदर शरीर सत्ता में जाके विलीन हो गया। एक बहुत बड़ी क्षति अपने मिशन को हुई, अपने गायत्री परिवार को हुआ, जो कि पूरी शांति कुंज की व्यवस्था को संभालते थे, पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार का, उतनी बड़ी मिशन की उतने बड़े व्यवस्थापक थे। आपका किया हुआ सदा हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। आपके मार्गदर्शन में हम लोग अपने आप को निखारने का प्रयास किए। आपके गाइडलाइन में हम लोग एक गुरु के कार्यों को अपना कार्य समझते हुए सही दिशा में चलाने का प्रयास किए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से भाव भिना निवेदन है कि आपकी आत्मा को शांति दे, और उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग पहले 3 बार महामृत्युंजय मंत्र और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो सारे भाई कमर सीधा करके गोद में हाथ कर लें, 3 बार सस्वर एक साथ पूरी भाव के साथ कि आदरणीय बाबू जी की आत्मा को शांति प्रदान हो, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मित्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मित्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मित्योर्मुक्षीयमामृता। 2 मिनट का मौन। शांति शांति। ऐसे समझिए तो एक घर के गार्जियन जैसा थे, ऐसे लग रहा है जैसे पिता का साथ छूट गया हो। जो लोग मिले हैं वो लोग जानते हैं कि ऐसा भाव रहता था, और खास करके प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के लिए जब कभी भी जिस चीज के बारे में हम लोग कहते थे, आदरणीय बाबूजी एकदम तत्पर रहते थे, हाँ कर लो बेटा क्या दिक्कत है,
कैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक ऐसा पिलर, एक ऐसा गायत्री परिवार के लिए सपोर्टिंग सिस्टम, सपोर्टिंग मानसिक रूप से सपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति जो आज मिशन को बहुत आगे ले गए हैं। दर्द तो होता है, लेकिन फिर दिल में आता है कि एक समय था जब गुरुदेव भी समय के साथ दादा गुरु के आदेश पर शरीर त्याग के चले गए। मनुष्य जितने कार्यों के लिए आता है, और फिर एक प्रेरणा भी दे जाता है कि आज पूरी दुनिया याद क्यों रखेगी हमें, क्या कारण है कि आपको यह दुनिया याद रखेगी। इसका रिजल्ट एक लाइन में आता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग मरे होंगे कल के डेट में, बहुत सारे आपके जान पहचान के लिए लोग भी शरीर त्यागे होंगे, लेकिन ये भाव किसी के प्रति क्यों नहीं उमड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने लिए जिया, अपने स्वार्थ के लिए जिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो समाज के लिए जीता है, उसके लिए समाज हमेशा रोता है, हमेशा हंसता है। मेरे मित्र परम पूज्य गुरुदेव, सोचिए आज तो हम लोग इनके किताबों को पढ़ के, आपके बहुत सारे लोगों के द्वारा बताए गए बातों को मान के अपनाए। 1990 में जब आपने शरीर त्यागा होगा, लगा होगा जैसे मिशन अपने आप रुक गया, वहीं ठहर गया। जो इतने बड़े मिशन को बड़ा विराट रूप देने वाले और अचानक शरीर त्याग के हमारे बीच से चले गए होंगे, उस समय लोगों को लगा होगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुदेव ने एक आश्वासन दिया था, बेटे शरीर त्यागने के बाद हमारी गति 4 गुना अधिक बढ़ जाएगी। शरीर छोड़ देंगे, लेकिन ये मत सोचना कि गुरुदेव तुमसे दूर हैं। जब कभी भी तुम्हें हमारी आवश्यकताएं महसूस हो, एकांत में बैठ के बड़े भाव से मुझे याद करना, तुम महसूस करोगे कि हम तुम्हारे नज़दीक हैं। और मेरे मित्र, आज सत्य है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आती है, लगता है हमें कोई नहीं संभाल पाएगा, मन अंदर से हताश और निराश हो जाता है, वैसे स्थिति में साधना स्थल पे जाके एक बार गुरुदेव से करुणा भाव से पुकारा जाता है, लगता है कोई कह रहा है बेटा तू क्यों चिंता करता है, तेरा बाप तो अभी जिंदा है। और ये भाव मन में आता है गुरुदेव के सामने, तू चिंतित मत हो, तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे हम तुम्हारे साथ है। और अंदर से एक उत्साह मिलता है, उससे भी ज्यादा जब टेंशन होता है, गुरुदेव कहते थे आ जाना मेरे गुरुधाम में, हमारी समाधि स्थल और अखंड दीपक, यहां 2 जगह पर हम विद्यमान है। अपनी बातों को कह देना, इसकी परवाह मत करना कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, किस लेवल से होगा, बस आके अपनी श्रद्धा और भाव को यहां व्यक्त कर देना, तेरा समाधान हम कर देंगे। ऐसे गुरु के शिष्य थे। एक बार गुरुदेव बैठ के बता रहे थे सारे लोगों को, बेटा चिंता मत करो, तुम हमारे नाव पर सवार हो जाओ। कई सारे लोग थे, जैसे आप लोग आज आके बैठते हैं यहाँ, गुरुदेव के प्रवचन में लाखों लाख की भीड़ होती थी। अगर कहते थे बेटे मेरे नाव पे आके सवार हो जाओ, मेरे नाव पर अगर आ जाओगे तुम्हें किनारा लगा देंगे। कोई व्यक्ति एक बैठा था जो निगेटिव मानसिकता का था, बहुत सारे भाई इसमें भी आते हैं जो यहाँ आएंगे अच्छे चीज़ों को लेने, लेकिन उनके अंदर जाता नहीं है। जैसा आपका पात्र होगा वैसा ही सामान रखा जाता है, जैसा आप मानसिकता लेके आते हो उसी चीज को यहाँ से लेके जाते हो। बहुत सारे लोग भीड़ में बैठे हैं, कौन आके यहाँ से निगेटिव ले जाता है, कौन पॉजिटिव, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। हमारा काम है बताना, अपनाना आपका काम है। उसी में से एक व्यक्ति था, सोचा कहीं ना बीच में डूब जाए, आप लोग भी बैठे रहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं बैठिए किनारा लगा देंगे, और गलती से कहीं नैया डगमगा के और डूब गई तब क्या होगा। तो आप लोग निगेटिव सोचते हैं, तो हम लोग तो उतना अंतर्यामी है नहीं जो समझ पाए क्या कौन सोचता है। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, तुरंत कहें कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर मेरी नाय डूब जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। बेटे तू चिंता मत कर, अगर गलती से लड़खड़ा के, एक तो निश्चिंत रह कि नाय डूबेगी नहीं, नैया तुम्हारा किनारा हम पहुंचाएंगे, तुम हमारे नाव पर सवार हुए हो। लेकिन फिर भी अगर मन में संशय है कि कहीं लड़खड़ा के डूब गई तो क्या होगा, तो निश्चिंत रहना बेटा, हम और माताजी अपने पीठ पर बैठा के तुम्हें किनारा लगा देंगे, डूबना होगा तो हम डूबेंगे, तुम्हें नहीं डूबने देंगे। आप उस गुरु के शिष्य हैं जो भाव संवेदना करुणा प्यार जिंदगी भर बोया है, बांटा है, और लोगों के अंदर यही प्रेरणा दी है कि बेटे इस चीज को अगर आप बांटते हो जिंदगी में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। और इसका
बहुत सारे भाई हमारे प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जब कभी भी तनाव आता है, दबाव आता है, प्रेशर आता है, मेरे मित्र उस प्रेशर में अगर कोई बचाता है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव बचाते हैं। उस प्रेशर में कोई पिता अगर साथ देता है तो वह परम पिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिनके हम लोग शिष्य हैं वो बचाते हैं। मेरे मित्र अब टाइम आ गया है नौजवानों को अपने अंदर ऊर्जा का संचय करने का। ये साल में दो बार आता है, एक चैत्र नवरात्र के रूप में और एक वर्तमान में जो 21 तारीख से शुरू हो रहा है। ये ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आता है जिस टाइम ऑफ पीरियड में मनुष्य कम समय में बहुत सारी चीजों को गेन करता है। जैसे बरसात के दिनों में सोलर बहुत काम नहीं करता है, सोलर प्लेट। अभी क्या है, अगर सोलर प्लेट लगाए हैं तो इतनी तपती हुई धूप में कम समय में तुरंत चार्ज उठा लेता है। कारण अभी क्या है, हाई लेवल का सूरज भगवान का वोल्टेज है, हाई लेवल में है। अंदर देखिए ना, हम लोगों का कई बार प्लेट गर्म हो जाता है, बैठे बैठे गर्म हो जाएगा अचानक, वो तो प्लेट उसी को ऑब्जर्व करने के लिए बना है। ऐसा ही टाइम ऑफ पीरियड शायद आता है नवरात्र काल में, ऐसी वातावरण ऐसी मनोभूमि बन जाती है कि मनुष्य छोटे समय में बहुत सारे चीजों को अचीव करता है। साधना से सिद्धि किताब में लिखते हैं गुरुदेव, बेटे याद करो उस समय रामायण काल की घटना, अगर राम नहीं होते और रावण से युद्ध नहीं होता तो क्या हनुमान की महत्व बढ़ती? होता नहीं होता। अगर युद्ध होता ही नहीं तो आज कोई बजरंग बली को नहीं जानता, कोई नहीं, ना हम जानते ना आप जानते, कोई विभीषण को नहीं जानता। विभीषण को आज क्यों हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि उस समय विभीषण की अहम भूमिका रही, अपने भाई का साथ छोड़ के, सोना का लंका छोड़ के और राम का साथ दिए, तो आज पूरी दुनिया विभीषण को जानती है। कहते हैं कि ऐसा ही टाइम ऑफ पीरियड आता है, समझदार व्यक्ति इस टाइम ऑफ पीरियड को पहचान लेता है और बेवकूफ समझता है कि जैसे पहले दिन था आज भी तो वैसा ही है, कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा है, जैसा कल था वैसा आज है। नहीं मेरे मित्र, जैसा कल था उससे बेहतर आज इसलिए है कि यह नवरात्र काल की साधना में परमात्मा का अनुदान वरदान अपने प्रवाह में चलता है, और उस प्रवाह के बीच में अगर बच्चा उनकी गोद में बैठता है तो उसको वैसे ही एनर्जी मिलती है जैसे हारे थके हुए बेटा भाग के आके माँ के गोद में सोता है और माँ गोद में सुलाए सुलाए उसका शरीर दबाती है, उसके बाल को सहलाती है, सिर को सहलाती है, सीने से लगा के दूध पिलाती है। ठीक वैसा ही नवरात्र काल में उनके संतान अगर 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, पूरी भावना के साथ अपने अंदर की बुराइयों को त्यागते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने का मनोभूमि बनाते हैं, तो माँ गायत्री की गोद में बैठने वाले ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर है, माँ के आशीर्वाद से, उनके पीठ थपथपाने से, उनके सर सहलाने से इतने मजबूत बन जाते हैं कि अपने भौतिकवादी दुनिया में एक क्लर्क की नौकरी के लिए तरसने वाला लड़का इनकम टैक्स का कमिश्नर बन जाता है, बैंक पीओ बन जाता है, रेलवे का बड़ा अधिकारी बन जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि चाहे पहलवानी में तुम्हें कितनी भी मजबूती क्यों न प्रदान हो, अगर आंकड़ा नहीं होगा तो तुम अपनी पहलवानी सिद्ध नहीं कर सकते हो। अब बहुत बढ़िया पहलवान है, इसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं हम WWE में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, मौका मिलेगा तब ना, अब बहुत ताकतवर है, मौका है नहीं। बहुत सारे लोग रोड पर, जितना ग्रेजुएट नहीं रहता है रास्ते चलते कहेगा हमारा रीजनिंग मजबूत है, मैथ मजबूत है, इंग्लिश मजबूत है, इंतजार में है खाली ग्रेजुएशन पास हो जाने दीजिए, देखिए CGL निकाल लेंगे चिटकी बजा के। जब ग्रेजुएशन पास होता है, मौका मिलता है, कुछ और हश्र होता है, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उस समय, जिस समय वो कह रहा है कि मेरा सब कुछ मजबूत है, हो सकता है मजबूत हो, आने वाले 2 साल में वो मन लगा के नहीं पढ़े इसलिए कमजोर हो गया हो, क्या उस समय उसका बहुत मजबूत है और वो CGL का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्या वो रिजल्ट दे देगा? ये टाइम ऑफ पीरियड का महत्व है, समय का महत्व है, और यही समय सिखाता है कि चाहे भूख कितनी भी तेज क्यों ना लगे, क्या इंसान दोनों हाथ से खाता है? आपको बहुत भूख लगता होगा, कई सारे लोगों को सुबह बिना खाए आ गए, यहां से लौट के जाते होंगे, बहुत तेज भूख लगा है, क्या यहां से जाने के बाद आप दोनों हाथ से खाते हो? नहीं खाते हो। यह समय की मांग है, और समय ऐसा समय आता है नवरात्र काल में जो परमात्मा का अनुदान वरदान थोड़े से करने पर बहुत ज्यादा मिलता है। हमारे पुराने भाई तो जानते हैं, नए भाइयों को बता देते हैं कि यह नवरात्र का पहला दिन गुरुवार को है, और हजारों की संख्या में यहाँ सामूहिक जप में सारे भाई लोग भाग लेते हैं, सारे भाई लोग हजारों की संख्या में भाग लेते हैं।
इसका परिणाम डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम घर साफ सुथरा रखते हैं, चंद मिनट के लिए घर में प्रवेश करते हैं, लगता है वाह मेरा घर कितना सुंदर है, मेरा घर कितना बढ़िया है, लगता है कि नहीं लगता है। एक आप अपने रूम को उल्टे पुल्टे करके रखो और एक एकदम साफ सुथरा रखो, अंदर प्रवेश करते उसके अंदर का पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आकर्षित करता है। सोचो ये परमात्मा का दिया हुआ खूबसूरत घर है जो शरीर के रूप में है, अगर ये आपका सुंदर है तो जिस भी व्यक्ति से मिलोगे वो मिलते के साथ कहेगा वाह क्या खूबसूरत लड़का है, क्या इसके अंदर टैलेंट है। आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन उस आदमी को आकर्षित कर देता है और उस घर की सफाई के लिए झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ती है, इस घर की सफाई के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। और ये नवरात्र काल के दरमियान अगर आप करते हो तो साधना से सिद्धि मिलती है। एक साधे सब जाए, आपका मानसिक रूप से अगर मानसिक रूप से मजबूत बनते हो तो व्यवहारिक रूप से आपका पढ़ाई में मन लगता है, कार्य करने में मन लगता है। मानसिक कमजोरी ही आपको पढ़ाई से अलग करती है, मानसिक कमजोरी ही आपके समाज के बुराइयों में लिप्त कर देती है। वरना कोई नौजवान नहीं चाहता कि हम बुरे रास्ते पर चले, आप चाहते हो? अगर आप चाहते कि हम बुरे रास्ते पर चले तो कोई मुसल्लापुर से आया है, कोई महेंद्रू से, कोई बोरिंग रोड से, कोई रामकृष्णा नगर से। इतनी तपती हुई धूप में लाखों की संख्या में जो लड़के पटना में रह रहे हैं वो लॉज में सोए हैं। आप अपने नींद को त्याग के स्नान करके ध्यान करके भाग के यहाँ एकत्रित हुए हो क्योंकि परमात्मा ने विशेष दूत के रूप में आपको चुना है और चुनकर बुलाया है, वैसे जैसे देश के सेना में कमांडो को विशेष तौर पर जोड़ा जाता है। कमांडो की जैसे होती है, उसको एक एक को निकाला जाता है, बहुत सारी सेनाएं हैं, उन सेनाओं में से चुन चुन के खींचा जाता है। फर्क है कि वहां इंसान चुन के बुलाता है और यहां भगवान चुनकर बुलाते हैं। इंसान का चुना हुआ उतना ताकतवर हो सकता है तो भगवान का चुना हुआ सोचो कितना ताकतवर होगा। आप साधारण नहीं हो, आप समझो। पूजा मंदिर भजन आजकल लोग अर्थ बदल दिया है। पूजा का मतलब जितना घंटी झुला ले, जितना भगवान को धुआं दिखा ले, अगरबत्ती दिखा ले, ले जाइए खुश हो जाइए। विश्वकर्मा पूजा है आज, देखिएगा बड़े बड़े गाड़ी वाले लोग पूजा करेंगे, खूब चलेगा लुका छुपा के, कहीं से व्यवस्था होगा। क्या है? पूजा है, बाहर है पूजा। भगवान कहां लिखे थे कि आप पहले हमारा लड्डू चढ़ाइएगा ओकरा बाद बोतल पी जाइएगा? कहीं लिखे हैं? हैं? विश्वकर्मा जो निर्माण करता हो, विश्व का निर्माण करता हो, आप उसकी पूजा कर रहे हैं कि उसकी तौहीनी कर रहे हैं? हैं? उन्होंने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से दारिद्र सुदामा के घर को पूरी सुदामा पूरी बसा दिया एक परिवार के चलते। किस भाव से? भगवान श्री कृष्ण को एक दाना चावल दिया था, आधे दाना चावल दिया था सुदामा ने, आधे दाना चावल दिया था। प्रसन्न होते हैं और आके अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण के आदेश पर जाकर जैसा कृष्णपुरी था वैसा सुदामा पूरी बसा देते हैं। अरे आप लोग भी बाइक रखे हो, गाड़ी रखे हो, भगवान से आराधना करो, हे मालिक, हे परमात्मा, आपके वाहन से, आपके साधन से हमारी जिंदगी चलती है, हमारी जिंदगी को हमेशा सुरक्षित रहना। आप तो विश्व के कर्मा हो, कम से कम हमारे कर्म को भी अच्छा रखना और हमारी जिंदगी को भी खूबसूरत रहना रखना। ऐसा विश्वकर्मा पूजा शायद आपके लिए, आज के नौजवानों के लिए सही है। और वही चीज दुर्गा पूजा में आ गया। गांव में दुर्गा पूजा का महत्व, एक बार सब लोग जुटेंगे, खड़ा होंगे, जय अंबे गौरी करेंगे और दिन भर दुर्गा जी के मूर्ति के पास बैठ के ताश खेलेंगे। 10 दिन के मजा का समय आ गया। खूब बढ़िया भोजपुरी गाना बजाएंगे, भले लोग समझे या ना समझे। और नहीं तो शाम होगा, 10 आदमी जुट जाएंगे, उनका बेटा ऐसा है, पटना में जाता है, लफुआ हो गया है, उनकी बेटी का ई है, वो है। ये पूजा का स्थल ही है, हमारे यहाँ भाई लोग करते हैं। अलग अलग जगहों से लोग आकर जब देखते हैं यहाँ की साधना तो तरसते हैं। हमारी पूजा का मतलब हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी बुराइयाँ दूर होनी चाहिए। साधना पूजा पाठ इसका एक ही मतलब है। हम बहुत अच्छे पुजारी हैं अगर तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त होनी चाहिए। हम अच्छे साधक हैं तो हमारा मन मजबूत होना चाहिए। हम अच्छी साधना करते हैं तो हम विकट परिस्थितियों में भी धैर्य रखेंगे, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज आ गया अब हम सुसाइड कर लें, ये चीज मुझे तनाव में दे दिया अब हम जिंदगी से हाथ धो लेंगे। नहीं,
अगर हमारी साधना अच्छी है तो विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को साधेंगे। ये साधना की एक और अहमियत है। इस अनुष्ठान काल में उपवास रखा जाता है, थोड़े से फल पे रख के लोग अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान क्यों कराया जाता है? कई बार लोगों को लगता है इससे गायत्री माता प्रसन्न हो जाएगी, इससे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं मेरे मित्र, मनुष्य के जिंदगी में कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां आती है कि वो ना चाहते हुए भी उस चीजों का सामना उसे करना पड़ता है। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास सब कुछ है, सफर के दरमियान है या कहीं बाहर गए हैं, आपको समय से खाना नसीब नहीं हो रहा है, पैकेट में पैसा भी है लेकिन मौका नहीं है कि आप कर पाओ। ये साधना के दरमियान आपके शरीर को सधाया जाता है कि कई बार ऐसा टाइम जब आए तो आप लगातार अगर उपवास करते हो तो आपके शरीर और मस्तिष्क को वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपकी आदत है लगातार 9 दिन आपकी आदत है फल पे रहने का। आपके बैग में एक सेव भी पड़ा है, एक सेव खा के एक दिन आप रह सकते हो, लेकिन जिन्हें साधना करने की आदत नहीं है उसको सिर में दर्द होगा, बेचैन होगा, और वो जिस चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करने जा रहा है उस कॉन्सेंट्रेशन से वो दूर हटता चला जाएगा। खास करके इस विद्यार्थी जीवन में कई बार आप एग्जाम देने जाते हो, ट्रेन में आपको खाना नहीं मिल पाता है, थोड़ी सी कुछ बैग में है उससे आपकी जो अंदर की जठराग्नि है जली हुई है वो क्षुब्ध नहीं होती है, और आपका ऐसे टाइम ट्रेन पहुंचाता है जहां से अगर आप खाने के लिए जाओगे तो एग्जाम छूटेगा, और एग्जाम के लिए जाओगे तो भूख से तड़प के रह जाते हो और आपका एग्जाम बेहतर नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? ना खा पाते हो, ना एग्जाम दे पाते हो। जिस चीज के लिए हजारों सैकड़ों मीटर दूरी तुमने तय किया वहां पहुंच तो जाते हो लेकिन उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव नहीं होता है। वैसी स्थिति में ऐसे साधनात्मक युवा जो विद्यार्थी लाइफ में साधना करके अपने अंदर को मजबूत बनाया है, उस युवा को अगर थोड़ी भूख भी लगी है, बैग में थोड़ा सा है, उसको अपने अंदर डालता है और जाकर एग्जाम देता है, द बेस्ट एग्जाम जाता है, क्योंकि ये शरीर की साधना है और मन की साधना है। और ऐसी साधना के बारे में हर नवरात्र काल में यहाँ युवा प्रकोष्ठ में हजारों भाइयों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। कई बार ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आता है, घर की परिस्थितियां ऐसी होती है, गांव में घर में किसी का देहांत हो गया, आने के बाद 2 दिन भोजन नहीं करना होता है, ये साधना का गुण है। कई बार ऐसा होता है गरीबी के उस दंश को झेलना पड़ता है जब 2 वक्त की रोटी समय से नसीब नहीं होती है। वैसी स्थिति में ये साधना अगर करते हो तो थोड़े में बहुत सारी एनर्जी आपको मिलती है। मेरे मित्र, इस साधना का संकल्प बुधवार को शाम में दिलाया जाएगा 6 बजे से। सारे भाइयों से निवेदन है, ऊपर भी जो भाई बैठे हैं, नीचे भी हमारे जो भाई बैठे हैं, शुरू है 21 तारीख से यानी गुरुवार से। अनुष्ठान किस दिन होगा? 20 तारीख को शाम में 6 बजे। पुराने सारे भाई जानते हैं, हमारे जितने भी नए भाई हैं उनसे निवेदन है कि बुधवार को शाम में 6 बजे आप समय से इसी फ्लोर पर आकर बैठ जाइएगा। एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड जिसमें आपको बहुत कुछ मिलता चला जाएगा, बहुत सारी एनर्जियां आपके शरीर के साथ जुड़ती चली जाएगी। उस दिन पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आप अनुष्ठान काल में अपनी साधना करोगे। उसका एक चीज अनिवार्य है कि यहाँ 6 से 8 सुबह में सामूहिक ध्यान होता है, सामूहिक साधना भाई लोग करते हैं, उसमें सारे लोग जरूर आए, उसका विशेष लाभ है। आपने कई बार देखा होगा कि कई गाड़ियां बंद हो जाती है, बड़े बड़े ट्रक बंद हो जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, लोग पीछे से धक्का देने का प्रयास करते हैं, 8-10 लोग उसमें शामिल हो गए, उसमें आप भी शामिल हैं, 5 लोग जोर लगाता है और 5 लोग क्या करता है, बस हाथ रख के हल्ला करता है, मारो धक्का मारो धक्का करता है ना। जब ट्रक स्टार्ट होता है तो लोग क्या सोचते हैं, ये 10ों मिलकर धक्का दिया है, ये 10ों मिलकर ट्रक को स्टार्ट किया है। सामूहिक साधना का यही लाभ है। बहुत सारे इसमें नए भाई हैं जो ध्यान करते हैं, उनका मन भटकता है, भागता है, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। जब समूह में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिनका ध्यान अच्छा लगता है, वो सूर्य की किरणों को अपने शरीर के तरफ खींचते हैं, तो वैसे में कमजोर ध्यान करने वाले, कमजोर साधना वाले को भी उतना ही लाभ मिलता है जितना मजबूत करने वाले हैं। इसलिए सामूहिक साधना में आप जरूर भाग लीजिए।
क्योंकि वो पावर आपको भी मिलता चला जाएगा। तो फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि बुधवार को, कल वाली मीटिंग तो होगी, बुधवार को शाम में 6 बजे सारे भाई जरूर आएंगे। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके मार्ग